अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफीजा मिन इस्लाम और आज मैं आपके सामने किताब लेकर आई हूँ। किताब का नाम है तस्कीरतुल औलिया हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तारी और इस किताब में मैं पेज नंबर 242, इसमें मैं आपको बाब 36 ये पढ़कर सुनाऊंगी। औज़ बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। तारुफ़: आप शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद बहुत ही अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग हुए हैं। आपकी तशानीफ में मिरातुल हुक्मा बहुत मशहूर तसनीफ है। उसके अलावा आपको बेशुमार बुजुर्गों से शर्फ नियाज हासिल रहा, जिनमें हजरत अबू तुराब बख्शी और यहया मआज जैसी बुजुर्ग हस्तियां भी शामिल हैं। जब आप निशापुर पहुंचे तो हजरत अबू हफ्श ने अपनी अजमत व बरतरी के बावजूद आपका एहतराम करते हुए फरमाया कि मैं जिसको उबा में तलाश करता था उसको कूबा में पाया। हालात: आप मुकम्मल 40 साल तक सोई नहीं। जब आंखें नींद से भारी होने लगती तो नमक भर लेते, लेकिन 40 साल के बाद जब आप एक मर्तबा सोए तो अल्लाह ताला को ख्वाब में देखकर अर्ज किया कि ए अल्लाह, मैंने तुझे बेदारी में तलाश किया लेकिन ख्वाब में पाया। निदा आई कि इस बेदारी का मुआवजा है। उसके बाद से आपने सोने का इसलिए अपना मामूल बना लिया कि शायद फिर जलवाए खुदाबंदी नजर आ जाए। अपने इस ख्वाब पर आप इस कदर नाजा थे कि यह फरमाया करते, अगर इस ख्वाब के मुआवजा में मुझे दोनों आलम भी अता किए जाएं जब भी कबूल नहीं करूंगा। जब आपके यहाँ लड़का तवल्लुद हुआ तो उसको सीना पर सब्ज हरूफ में अल्लाह जल्ला शानहू तहरीर था, लेकिन जब शऊरी उम्र को पहुंचा तो लह व लईब में मशगूल रहकर बरब्त पर गाना गाया करता था। चुनांचे रात के वक्त जब एक मोहल्ला में से गाता हुआ गुजरा तो एक नई दुल्हन जो अपने शौहर के पास सोई हुई थी मुस्तरीबाना तौर पर उठकर बाहर झांकने लगी। दरी असना जब शौहर की आँख खुली तो बीवी को अपने पास ना पाकर उठा। बीवी के पास पहुँच कर उस लड़के से मुखातब होकर कहा कि शायद अभी तेरी तौबा का वक्त नहीं आया। यह सुनकर लड़के ने तअस्सुर आमेज अंदाज में कहा कि यकीनन वक्त आ चुका है, और यह कहकर बर्फ तोड़ दिया। उसी दिन से जिक्र इलाही में मशगूल हो गया और दर्जाए कमाल तक पहुंचा। उसके वालिद फरमाया करते थे कि जो मकाम मुझे 40 साल में हासिल ना हुआ वह साहिबजादे को 40 यौम में मिल गया। शाह किरमान ने आपकी साहबजादी के साथ निकाह करने का पैगाम भेजा तो आपने 3 यौम की मोहलत तलब की और 3 दिनों में मस्जिद के अतराफ इस नीयत से चक्कर काटते रहे कि कोई दुर्वेश कामिल मिल जाए तो मैं इससे निकाह कर दूं। चुनांचे तीसरे दिन एक बुजुर्ग खलसे कल्ब के साथ मस्जिद में नमाज अदा करते हुए मिल गए तो आपने दरियाफ्त किया कि क्या तुम निकाह के ख्वाहिशमंद हो। उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत लुकूल हाल हूँ, मुझसे कौन अपनी लड़की का निकाह कर सकता है। लेकिन आपने फरमाया कि मैं अपनी लड़की तुम्हारे निकाह में दे देता हूँ। चुनांचे बाहमी रजामंदी से निकाह हो गया। जब साहबजादी अपने शौहर के पास पहुंची तो देखा कि एक कूजे में पानी और एक टुकड़ा सूखी हुई रोटी का रखा हुआ। जब शौहर ने पूछा कि यह क्या है तो उन्होंने कहा कि आधा पानी और आधी रोटी कल खा ली थी, आज के लिए बचा रखी थी। यह सुनकर जब बीवी ने अपने वालिदैन के यहाँ जाने की ख्वाहिश की तो शौहर ने कहा कि मैं तो पहले ही से जानता था कि शाही ख़ानदान की लड़की फ़कीर के साथ गुजारा नहीं कर सकती, लेकिन बीवी ने जवाब दिया कि यह बात नहीं है, बल्कि मैं तो अपने वालिद से यह शिकायत करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझसे यह वादा किया था कि मैं तेरा निकाह किसी मुत्तकी से कर रहा हूँ, मगर अब मुझे मालूम हुआ कि मेरा निकाह तो ऐसे शख्स से कर दिया गया है जो खुदा पर काने नहीं है और दूसरे दिन के लिए खाना बचा रखता है, जो तवक्कुल के कतअन मुनाफी है। लिहाजा उस घर में या तो मैं रहूँगी या रोटी रहेगी। हजरत अबू तुराब ने आपको तहरीर किया: जब मैंने अपने अमल व नफ्स और मासियतों पर निगाह डाली तो मायूसियों के सिवा कुछ नहीं मिला। आपने जवाब में तहरीर किया कि मैंने आपके मकतूब को अपने कल्ब के लिए आईना बना लिया है, क्योंकि अगर नफ्स से मुखलिसाना मायूसी होगी तो खुदा ताला से आस होगी, और जब खुदा से आस होगी तो खौफ खुदा होगा, और जब खौफ पैदा होगा तो नफ्स की जानिब से मायूसी होगी, और जब नफ्स से मायूसी हो जाएगी तो खुदा की याद भी हो सकेगी। जब खुदा की याद मुकम्मल होगी तो इस्तग़ना पैदा होगा, और मुस्तग़नी होने के बाद ही खुदा का वसल हो सकता है। हजरत यहया बिन मआज आपके गहरे दोस्तों में थे। चुनांचे जब दोनों एक ही शहर में जमा हुए तो हजरत यहया ने अपनी मजलिसे व अस में आपको भी मदऊ किया, लेकिन आप नहीं गए। जब एक दिन हजरत यहया के यहाँ पहुंचे तो एक गोशा में छुप कर बैठे गए। उस वक़्त हजरत यहया वजा गोई में मशगूल थे। अचानक जुबान बंद हो गई तो आपने कहा कि इस मजलिस में शायद मुझसे भी बेहतर कोई वाइज मौजूद है जिसके तसर्रुफ ने मेरी जुबान बंद कर दी है। यह सुनकर आप सामने आए और फरमाया कि मैं इसी वजह से आपकी मजलिस वजह में शरीक होना नहीं चाहता था। इरशादात:
आप फरमाया करते थे कि अहले फजल का फजल और अहले विलायत की विलायत उसी वक्त तक कायम रहती है जब तक वह अपने फजल व विलायत को फजल व विलायत तसव्वुर नहीं करते। फरमाया कि फ़क्र खुदा का एक राज है, जब तक फ़ुकरा उसको पोशीदा रखते हैं अमीन होते हैं, और इफ्शाए राज के बाद उनमें फ़क्र सलब कर लिया जाता है। फरमाया कि सिद्दीक की तीन अलामतें हैं, अव्वल दुनिया से नफरत का इजहार, दो मखलूक से दूरी, सोम ख्वाहिशात पर गलबा हासिल करना। फरमाया कि खौफ इलाही का मफहूम हमेशा खाइफ रहना है, और सबसे बड़ा खाइफ वह है जो दिखावे के लिए हुकुकुल्लाह की तकमील ना करता हो। फरमाया कि सब्र की तीन अलामतें हैं, तर्क शिकायत, सिद्दीक रजा और कबूलत रजा। फरमाया कि मेरी मिसाल उस जिंदा मुर्गे सी है जिसको सीख कर लगाकर आग में रख दिया जाए और चारों तरफ से आग दहकाई जाए। वफात, आपके विसाल के बाद हजरत अली सैर जानी आपकी कब्र पर फुकरा को खाना तकसीम किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, इस वक्त किसी मेहमान को भेज दे ताकि मैं उससे उसके हमराह खाना खाऊं। चुनानचे उसी वक्त एक कुत्ता आ गया, आपने उसको धुतकार कर भगा दिया। उसके जाते ही निदाए गए भी आए कि खुद ही मेहमान की तमन्ना करते हो और खुद ही मेहमान को धुतकार देते हो। यह निदा सुनकर आप मुस्तरीबाना तौर पर कुत्ते के जस्तजू में निकल खड़े हुए, और तलाश बशियार के बाद जब वहाँ एक जंगल में मिल गया तो आपने खाना उसके सामने रख दिया, लेकिन उसने नहीं खाया, जिसकी वजह से एहसास नदामत करते हुए आपने तौबा की। तौबा के बाद अब कुत्ते ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, वरना अगर शाह की यानी के मजार से हटकर इस किस्म की हरकत करते तो नाकाबिले फरामोश सजा के मुस्तौजब होते।